नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है। कोर्ट कैंपस के आसपास भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही कोर्ट कैंपस के पास के इलाकों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटे हैं, जो संजय सिंह को समर्थन देने वहां पर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट में संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कहा कि किस बेसिस पर इन्हें अरेस्ट किया गया है बताया जाए, रिमांड पेपर दिया जाए। इस पर ईडी ने संजय सिंह के वकील को रिमांड कॉपी दी। ईडी के वकील ने कहा कि दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुल 2 करोड़ का लेन देन है। सर्वेश मिश्रा, जो संजय सिंह के लिए काम करते हैं, दिनेश अरोड़ा के बयान के मुताबिक उनसे लेन देन की बात फोन पर कंफर्म हुई है। तो वहीं संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि ये जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं पूरे झूठ है, ईडी पूरा पूरा झूठ बोल रही है। कोर्ट ने पूछा कि संजय सिंह के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया है क्या, जब ईडी को लेन देन की जानकारी काफी समय से है तो तभी क्यों नहीं किया। इस पर ईडी ने कहा कि इस मामले में बयान अभी दर्ज किए जा रहे हैं। तो देश और दुनिया की खबरों को लेकर इसी तरह अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।